Hello students, so welcome to Easy Biology Tutorials. In the last class, we were discussing with the biotic components of the environment. And now we are going to discuss with the abiotic component. If you have not gone through the biotic components, let me make you revise. That is, first of all, in the biotic components, we consist of the green plants. Green plants are the autotroph. Then we consist of the herbivores. Herbivores, also known as the primary consumers. Then the carnivores, they are the secondary consumers. Then the large carnivores, they are the tertiary consumers. Then the parasites, the decomposers. Decomposers are also known as the micro consumers. Then the abiotic components. Abiotic components are sunlight, air, water, temperature, and soil. Now let us discuss about the abiotic components of our environment. First of all, the abiotic components are the non-living components of an ecosystem. That is the sunlight. The energy obtained from sunlight is essential for the production of food by photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज सनलाइट. सनलाइट के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी प्रेजेंट रहती है. देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द एयर. एयर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ आर द मेन कंपोनेंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. नाइट्रोजन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी डाइट में इंक्लूड होना उसका बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन वी आर हैविंग वॉटर. वॉटर इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. Water is the first thing for the life to be existing. Life ki conditions ko favorable karne ke liye water sabse zyada important chemical constituent hai. And it is also required for various biochemical reactions which occurs in organisms. Then students, the temperature. एग्जिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. टेम्परेचर इफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट. इट इफेक्ट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनिजम्स. सो वी नो दैट कि टेम्परेचर भी है जो लाइफ को इफेक्ट करता है. टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है. इट ऑल्सो इफेक्ट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. जैसे कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है तो भी हमारे एंजाइम्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. टेम्परेचर जब कम हो जाता है तब भी एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द सॉइल. सॉइल में हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो अगर किसी भी टाइप हमारे आसपास का सॉइल अगर इनफर्टाइल है या कुछ भी ऐसा है जहाँ पे प्लांट्स नहीं ग्रो हो रहे हैं तो उसकी वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा. उसके आसपास ना एनिमल्स की ग्रोथ होगी एंड ना ही ह्यूमन कम्युनिटी कोई आने का चांस होगा. इट कंटेन्स वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट इज अवर फूड चेन. The sequential process of eating and being eaten is called a food chain. A food chain represents the unidirectional transfer of energy. So students, we know that the sun is the main source of the energy. It is the producer of the producer of our earth, we can say. प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक वी आर वेगन्स. अगर हम वेगन्स हैं, हम वेजिटेरियंस हैं, वी ईट्स द हर्ब्स, वी ईट्स द सब्सटेंसेस और द फूड मेड बाय द प्रोड्यूसर. देन प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है? टर्शरी कंज्यूमर. टर्शरी कंज्यूमर को कौन खाता है? डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स अल्टीमेटली गो इन टू द सॉइल एंड रिजल्ट इन टू द प्रोडक्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म. So this was all about the food chain. In a food chain, along with food, transfer of energy also occurs from one trophic level to the other. The flow of energy
which occurs along a food chain is called the energy flow. Students देखो, energy flow हो रहा है, sun ने अपनी energy दी, energy plants ने ली, plants ने energy को use करके क्या बनाया, खाना बनाया, खाने को हमने खाया, हमने उनकी plants, हमने plants की energy ली. Then जो हमारे पास carnivores है, secondary consumers है, वो हमारी energy लेंगे, secondary consumers को tertiary consumers खाएंगे, and so on. All the energy used by a living organism is obtained from the sun. Solar energy enters the living components through the autotrophs or green plants. However, only 1% of the total energy is actually captured by the green plants. Students, what does this mean? Is line ka kya matlab hai? Sun ke paas 100% energy hai. 100% ke andar प्लांट्स जो है ओनली 1% एनर्जी को यूज करते हैं, 99% ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेज. ठीक है, देन प्लांट्स से ये जो 1% एनर्जी है, 1% एनर्जी का 0.1% जाता है हर्बीवोर्स के पास. उसके बाद अगेन द 1% 10% इज पास्ट, दैट इज 0.01% जाता है कार्निवोर्स के पास, एंड 0.001% जाता है सेकेंडरी कार्निवोर्स के पास. मींस प्लांट्स ने कौन सी कितनी एनर्जी यूज की, प्लांट्स ने सन की 99% यूज की एनर्जी, 1% यूज बाय द हर्बीवोर्स, 0.1 बाय द कार्निवोर्स, एंड 0.01 बाय द टॉप कार्निवोर्स. The amount of energy gradually declines as one moves up to the higher trophic level because at each level energy is lost in the form of heat. The loss of energy in the food chain and the transfer of energy from one trophic level to the other can be explained by the 10% law, which states that only 10% of energy entering a particular trophic level of organisms is available for the transfer to the higher trophic level. इसका क्या मतलब हुआ students? जैसे कि देखो, हमारे plants ने कितनी energy consume की, 1000 kg. 1000 kg is the 1% of the sun. तो उसके बाद हमारे पास further जो herbivores के पास कितनी energy जाएगी, इसके 10%. What is the 10% of 1000? That is 100 kg. Carnivores के पास कितनी जाएगी, 10 kg. Top carnivores के पास कितनी जाएगी, 1 kg. So in this way only 1 kg is left at last, and this is the 10% law. Now students, what is the significance of the food chain? Food chain maintains a check on the population and a balance in between the ecosystem. Energy in the form of food is continuously transferred between different food chains. This helps to maintain the equilibrium in an ecosystem. The food chain helps us to understand the interaction and interdependence of different organisms in an area. फूड चेन से हमें ये सारी चीजें पता चलती है, पॉपुलेशन बैलेंस का पता चलता है, एनर्जी का पता चलता है, इक्विलिब्रियम का पता चलता है, एंड इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का पता चलता है. नाउ व्हाट इज अ फूड वेब? द नेक्स्ट टॉपिक इज द फूड वेब. व्हाट इज बेसिकली द फूड वेब? द फूड वेब इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ interconnecting food chains in a natural community of different organisms is called a food web. A network of interconnecting food chains in a natural community of different organisms.
जैसे कि हम देख सकते हैं इस पेड़ को ग्रास हॉपर खा रहा है, रैट खा रहा है, स्मॉल बर्ड्स, रैपिड रैबिट. देन वी आर हैविंग, लेट मी शो यू द डायग्राम क्लियरली. देन इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, स्नेक खा रहा है, वल्चर खा रहा है, स्नेक रैट को भी खा रहा है, वल्चर जो है वो स्नेक को भी खा रहा है, स्मॉल बर्ड्स को भी खा रहा है, रैबिट को भी खा रहा है. मतलब कि जो फूड चेन थी, फूड चेन क्या थी, दैट वाज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो. फूड वेब क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट चेन्स एट अ पॉइंट. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड वेब. फूड वेब्स परमिट अल्टरनेटिव फूड्स, दे इंश्योर अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म. क्योंकि जैसे वल्चर है, वल्चर को अगर स्नेक नहीं मिला तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, वो रैट खाएगा, वो बर्ड्स खाएगा, वो रैबिट खाएगा, वो कुछ भी खाएगा. ठीक है, उसके पास बहुत वैरायटी है, उसके सर्वाइवल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. नाउ वी आर मूविंग अप टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फूड पिरामिड. नाउ व्हाट इज मेंट बाय द फूड पिरामिड, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ इकोलॉजिकल पिरामिड और फूड पिरामिड. Ecological pyramids are of three types, the pyramid of number, the pyramid of mass and pyramid of energy. So students, आपको देखना है कि कौन से वाला pyramid हमें upright erect show होगा, कौन से वाला pyramid हमें up down show होगा, downward show होगा. Now, what is the significance of food pyramid? Food pyramid को हम पढ़ते क्यों हैं? The trophic levels in a food chain can be explained by a food pyramid. The ecological pyramids help us to understand the structure, functional diversity, and energy conversion efficiency of the ecosystems. ठीक है? ट्रॉफिक लेवल हमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है इन रीडिंग द डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड द इको सिस्टम्स, डिफरेंट इंटरैक्शंस बिटवीन द इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड अदर डिफरेंट थिंग्स. बायो मैग्निफिकेशन और फूड चेन मैग्निफिकेशन इज द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस in the bodies of living organisms at each trophic level of a food chain. Dichlorodiphenyl trichloroethane DDT, DDT की फुल फॉर्म करनी याद बहुत ज्यादा जरूरी है. बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफाई हो जाना, इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना. तो इंक्रीज किसका हो रहा है यहाँ पे? टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, पॉइजनस सब्सटेंसेस का इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बायो मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं. डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ठीक है, डी मतलब डाइक्लोरो, डी मतलब डाइफिनाइल, टी मतलब ट्राइक्लोरोइथेन. एंड ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और by other means and tends to accumulate in the environment causing biomagnification. So DDT की तरह ये जो poisonous substances हैं students, ये क्या कर देते हैं? Biomagnification कर देते हैं. जैसे कि ये देखो, ये water है, water से zooplankton खा रहे हैं, phytoplankton से zooplankton, zooplankton से small fishes, small fishes से large fishes, उसके बाद जो vultures हैं वो खा रहे हैं. ultimately ये देखो क्या है, poison जो है वो पहले accumulated था, बाद में क्या हो रहा है, वो increase हो रहा है. क्यों? क्योंकि phytoplankton ने कितना पानी पिया? बहुत कम. zooplankton ने कितना पानी पिया? बहुत ज्यादा. कितने phytoplankton को खाया zooplankton ने? बहुत सारे phytoplankton को खाया. उनकी बॉडी भी बड़ी है, लेकिन उनके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं. एंड दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स.
हम इन्वायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को पढ़े, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड स्प्लिटिंग इट इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। मतलब ये क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो ओजोन मॉलिक्यूल्स बनाती है। ये ओजोन मॉलिक्यूल्स किसी भी टाइम में काम नहीं कर सकते, अगर कोई केमिकल यहाँ पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। ओजोन लेयर एक्सटेंड टू अबाउट 16 टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। रीजंस फॉर ओजोन डिप्लीशन, द ड्रॉप इन द ओजोन लेवल्स इज ड्यू टू सर्टेन सिंथेटिक केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स which are used as refrigerants and air conditioners and fire extinguishers। तो ये चीजें सारी यूज करने से क्या होएगी स्टूडेंट्स, हमारे हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर ओजोन का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन डिप्लीशन, इन द एब्सेंस ऑफ द ओजोन लेयर द अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ सर्फेस, दे आर हाईली हार्मफुल टू द ऑर्गेनिजम्स and can even cause the skin cancer and other diseases in the human beings. As per the agreement, the United Nations decided to freeze the production of CFC at the levels which existed in 1986. 1986 के comparatively अब क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा CFCs की production को बंद कर दिया गया है। So, these are the points that are important. सारे के सारे points important हैं. What is ozone layer? What is the depletion of ozone layer? What are the reasons of the ozone depletion? What are the effects of the ozone depletion? And then how can we control the ozone depletion? सारे के सारे points बहुत ही ज़्यादा important हैं. Next is about how can we dispose the wastes. Disposal of waste means to get rid of waste. Rid of waste मतलब हम waste को क्या कर सकते हैं, recycle कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है हमारी खराब हो गई है, उसको हम क्या कर सकते हैं, recycle कर सकते हैं। paper है उसको, उसे हम new paper बना सकते हैं। Solid waste such as paper, plastic and metals can be sent to paper mills, plastic processing factories and metal industries respectively. They can be recycled and used again. Household garbage such as fruit and vegetable peels, egg shells, waste food, tea leaves, as well as farmland waste such as dried leaves, husk and parts of crop plants from the fields after harvesting can all be converted into useful compost by rotting. Rotting ke process se kya ho jayegi, ye sari jo biodegradable waste hai ye mitti mein mil jayegi, mitti kya ho jayegi, fertile ho jayegi. Incineration kya hota hai, hazardous substances like biomedical waste हो गया, bladder हो गया, test tubes हो गई, syringes हो गए, injection हो गए, various chemicals हो गए, human anatomical waste, blood and pus, microbiological, biotechnical waste, ये सारे क्या हो जाते हैं, incineration, इनकी burning की जाती है बहुत high temperature पे बंद करके, so that कोई भी waste product है वो बाहर ना निकले, धुआं भी बाहर ना निकले। electricity can be generated from heat during बर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी बर्निंग करने से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मोक है जो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देन इज लैंडफिल्स, लार्ज स्केल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन बी डन बाय पुटिंग इट इन लो एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड देन कवरिंग इट विद अर्थ। जो भी खाली गड्ढे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द लैंडफिल्स। वेस्ट वाटर or sewage from the houses, offices, hospitals enter a channel of pipelines which finally reach the wastewater treatment plant. Physical, biological and chemical processes are carried out for the treatment of the sewage. ठीक है, sewage करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, physical, chemical processes को carry कर सकते हैं, so that कोई भी type की wastage ना हो। The role of an individual in managing the wastes.
हमारे पास 3R अप्रोच है, यस अभी भी आपके पास 3R अप्रोच है, 3R अप्रोच ही हमारी जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड चलती है। सो रिड्यूस, चीजों को यूज करना कम करो, कोई भी चीज है हार्मफुल है या फिर महंगी है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसका यूज क्या करो, कम करो। रीयूज, चीजों को बार बार यूज करो, डिस्पोजेबल थिंग्स मत लेके आओ, हम दोबारा दोबारा से यूज कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल जो भी चीज होती है, मेडिकल सिरिंजेस एंड अदर थिंग्स, किट्स वगैरह, ये सारी डिस्पोजेबल ही होनी चाहिए, वरना ये क्या कर देती है, नुकसान कर देती है। अगर नॉन डिस्पोजेबल सिरिंजेस लेके आओगे स्टूडेंट्स, वो सैनिटाइज तो होने नहीं वाली है ना, क्योंकि सैनिटाइजेशन से वायरस इतना अच्छे से नहीं मरता है। सो दिस इज द थिंग। एंड देन रिसाइकलिंग, वी हैव टू रिसाइकल द यूज्ड रिसोर्सेज रादर देन थ्रोइंग देम अवे। रिसाइकलिंग, पेपर को फेंकने से कुछ नहीं होगा, पेपर को कबाड़ में बेच दो, स्क्रैप्स बना लो उसके, सो दैट हम क्या कर सके, उसकी प्रॉपर यूसेज कर सके। एंड विद दिस हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है 10th क्लास का, वो सारा खत्म हो चुका है। नाउ ये सारा आपका काम है कि आप एफिशिएंटली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड योर अदर एग्जामिनेशन, जो भी एंट्रेंस, जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।